नमस्कार दर्शक बंधु, आज मु कलरारे आपण मानक गोटे नुआ रेसीपी तैयारी करके देखी जहाँ को बनवा तो सहज आउ खाइबा बहुत बढ़िया लगी थाए। ताहले एबे आसंतु रोसेई आरंभ करिबा। एही रेसीपी करिबा पई प्रथमे मु एठारे किछि कलरा नै ताकु पानी रे भल भाबरे धोई सारिला परे देखंतु याकु मु एही परि भाबरे गोल गोल रखी काटि देछि। तो एबे गोटे बड़ पात्र नै एही कलरा सब को सेथिरे दे दउछि। आउ तापरे एथिरे अल्प लुण पकेकी याकु भल भाबरे प्रथमे मिसे दबा। लुण देले कोन हबो ना कलरा रे थिबा पानी सब बाहर जिवो आउ पिता टिके कम लागिवो। तो मिसे सरिला परे मु याकु 10 मिनिट पर्यंत कवर करिकि रखिबी जेमिति लुणटा या भितर को भल भाबरे भेदि पारिबो। 10 मिनिट बे हे गेलानी तो कवर यार काडी देबी। आउ जेमिति कि आपण माने देखि परथिबे पानी टिके बाहरि आसिलानी एथिरो, ताहाले आउ थरे याकु मिसे देबी। आउ ता परे हातरे अल्प नेकि याकु भल भाबरे चिपुडि देबी जेमिति कि कलरा रे थिबा पानी सब बाहरि जिवो। चिपुड़ी दी एबे मु याकु गोटे प्लेट रे रखिबे। आउ एही परि भाबरे प्लेट रे सबु रखि सारिला परे गैस ऑन करी कड़ई रे मु पकौछि किछि रिफाइन तेल। तेल गरम हेइगले एही कलरा सबु को एथिरे देई गैस को लो फ्लेम रे ही रखिकि एटा सिझिला पर्यंत याकु मु भाजिबे। प्रथमे कलरारु आमे पानी बाहर करि दैथिले आउ ता परे ताको एही परि भाजि दबा द्वारा तारो जो पीताटा थाए सेटा कमी जाय थाए। किछि समय परे देखंतु कलरा सिछि जाय लाल हे आसिलानी, ताहाले एबे सबु को गोटे प्लेट को काढि दबा। आउ ता परे कड़ई रे आउ अल्प टिके तेल पकेकि सेथिरे मु पकौछि गोटे कटा होइतिबा आलू। कलरा को मुझे भाजिली आलू को मध्य सेहीपरी भाव में सिझिला पर्यंत टिके लाल करके भाजीदेवि। आलुटा एठारे ऑप्शनल, जदि आपण माने याकु स्किप करने चाहूँगी ताहले करी पारिबे। किछि समय परे एबे इटा गोल्डन ब्राउन कलर ही भाजी आसिलानी आउ सिझि मध्य गलानी, तो याकु मध्य गोटे प्लेट को काढ़ी दौछि। प्लेट को सबु काढ़ी सारा पर बड़का होता तेल रे ही मु पकौछि 1/3 चमच जीरा। आउ जीरा जिते बड़े भल भाव फुटिजी से गोटे सुखिला लंका आउ गोटे चमच अदा छेचा पकईकि टिके समय खाली भाजबे। तापर एबे तीनोटी कटा होता मीडियम साइज रो प्याज पकईबी। आउ प्याजटा ना एथिरे टिके अधिका परिमाण रे ही पड़िबो। बेसी लाल करिकि याको भाजिबिनि लो फ्लेम रे 2 मिनिट पर्यंत एही परि भाबरे अल्प भाजि आसिले सेथिरे मु पकईबी गोटे कटा होइतिबा टमाटो। आउ टमाटो दे सारी सेटा टिके नरम हेला पर्यंत भाजिबा। बर्तमान टमाटो नरम ही आसिलानी, ताहले मु एथिरे पकईबी 1/3 चमच हळदी गुंड, 1/2 चमच जीरा धनिया गुंड, 1/2 चमच लंका गुंड। लंका गुंड आपण माने निजो टेस्ट अनुसार कम बेसी करी पारिबे। आउ शेषरे स्वाद अनुसार लुण पके याकु भल भाबरे मिसे देबे। बहुत सहजरे आउ कम समय मध्यरे एही रेसिपीटा बनिकी रेडी होई जायथाय। तो घर थरे याकु तयारी करंतु, देखिबे पिता टिके कम लागिकि खाइबाकु मध्य भल लागिबो। मिसे दे मु एथिरे पकेबी अल्प टिके पानी। आउ पानीटा सुखिला पर्यंत याकु किछि समय कसिबे। देखंतु पानी सुखी जाए मसला एबे पूरा भल भाव कसी हेगलानी। ताहले भाजिके रखिथिबा आलु आउ कलरा सबको एथिरे देकि मसला सहित एसबुको भल भाव मिसे दे किछि समय पर्यंत याकु कभर करके रखिबे। पानी एथिरे पड़िबनी काहेकी ना एटा पूरा सुखिला हेकि बनिबो। तो लो फ्लेम रे याकु 2 मिनिट पर्यंत रांधि सारिला परे एबे यार ढांकुनी काढ़ी दे मु एथिरे पकेबी 1/3 चमच आमचूर गुंड। आमचूर पाउडर देले कौन हबो ना एटा टिके खट्टा चटपटा फ्लेवर देकि एही रेसिपी को आहुरी बेसी टेस्टी बनेबो। दर्शक बंधु, वर्तमान आमर कलरार यही स्वादिष्ट रेसिपी पूरापूरी प्रस्तुत हो जाएगी। ताहले गैस को ऑफ कर दे आसंतु याकु प्लेट रे गरमा गरम सर्व करिबा।
ଘରେ ଥରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କଲରାର ଏହି ନୂଆ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋର ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାନା ଗରମା ଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତିଆରି କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।